देश की कला संस्कृति से परिचित कराने और लोगों तक अपने समाचार के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने वाला दूरदर्शन आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। सेवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया, उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। गुजरते वक्त के साथ इस प्रयोग को 1965 में एक सेवा का रूप दे दिया गया। ऐतिहासिक आगाज के बाद दूरदर्शन के हौसले में जैसे पंख लग गए। वक्त के साथ दूरदर्शन का कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों का कलर टीवी पर प्रसारण के कारण इसको देखना काफी रोमांचकारी था। दूरदर्शन पर प्रसारित सुपर हिट और सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रहार भी काफी पसंद किया जाता था। चित्रहार की शुरुआत 1982 में हुई थी। चित्रहार को दर्शकों का असीम प्यार मिलने के बाद दूरदर्शन ने 6 साल बाद रंगोली कार्यक्रम की शुरुआत की। सार्वजनिक प्रसारण सेवा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की। भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शानदार आयोजन दूरदर्शन की ओर से किए गए। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि दशकों के दौरान दूरदर्शन ने भारत की विकास यात्रा को अच्छी तरह से दिखाया है और इसका अभिलेखागार देश के समृद्ध इतिहास का खजाना है। उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन की स्थापना आज ही के दिन 1969 में हुई थी।